हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 3 तारीख को जो है फिर से नया मेरिट लिस्ट जारी होगा और 2 तारीख तक का टाइम दिया गया था, 2 जुलाई तक 2019 तक का टाइम दिया गया था कि जिनका भी नाम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में या फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स में कहीं भी कुछ भी त्रुटि रहा हो तो 2 जुलाई 2019 तक वो सुधार सकते थे। फिर ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस आया था कि वो जो है 3 जुलाई 2019 को नया मेरिट लिस्ट जारी होगा संशोधन के बाद, लेकिन क्या हुआ कि 3 तारीख को तो अपलोड नहीं हो पाया, टेक्निकल एरर बताया गया, तो उसके बाद फिर अपलोड हो पाया 5 तारीख को। ठीक है, तो इसमें से जैसे पहले मेरिट लिस्ट जो जारी हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा त्रुटि था, जिसकी वजह से फिर से नया मेरिट लिस्ट जारी मतलब PDF फॉर्मेट में तो डाउनलोड सेक्शन में तो नहीं मिल रहा है। तो आप अपना रिज़ल्ट चेक कर लें, क्योंकि पहले मेरिट लिस्ट में हो सकता है कि आपका रैंक ज़्यादा हुआ होगा और फिर आपने रिज़ल्ट जब अभी आप चेक करोगे तो पता चलेगा कि रिज़ल्ट मतलब रैंक कम आया होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपना रिज़ल्ट चेक कर लें फिर से, और उसके बाद जो है रैंक कार्ड देखें कितना रैंक आया है, फिर उसके हिसाब से काउंसलिंग का डेट जो मैंने बताया था कि 8 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक होगा, सेम वही डेट है। यहाँ पे जैसे बताया गया है कि 29/6/2019 को परिषद की अधिकृत वेबसाइट इतना के होम पेज पर डाउनलोड कॉलम में प्रकाशित कर दी गई थी, मतलब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पहले जो है जारी कर दिया गया था। उक्त औपबंधिक मेधा सूचियों में शामिल आवेदकों से उनके प्रविष्टियों में कोई त्रुटि या गलती लगने पर उसके संशोधन के लिए दिनांक 2 जुलाई 2019 तक आवेदन पत्र मांगे गए थे। आवेदकों से प्राप्त आपत्तियों से संबंधित आवेदन पत्रों के आधार पर निराकरण उपरांत दिनांक 5 जुलाई 2019 को संशोधित एवं अंतिम मेधा सूची जारी कर दी गई है, लेकिन जारी कर दिए ये इसका PDF अभी डाउनलोड सेक्शन में नहीं है कि न्यू मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप जितने भी ITI के अभ्यर्थी हैं वो अपना रिज़ल्ट जो है रिज़ल्ट सेक्शन में जाके चेक कर लें कि आपका रैंक घटा है या बढ़ा है, तो आपको मालूम चल जाएगा नया मेरिट लिस्ट के बारे में। ठीक है, और उसके बाद कब है काउंसलिंग का डेट, देखिए 8 जुलाई 2019 से लेकर के जो है 16 जुलाई 2019 तक जो है पहला जो है काउंसलिंग होगा। साक्षात्कार कंप्यूटराइज्ड मल्टी टेबल काउंसलिंग के माध्यम से संशोधित अंतिम मेधा सूची के आधार पर की जाएगी। संस्थान या वार व्यवसाय वार अद्यतन रिक्त सीटों की जानकारी परिषद के अधिकृत वेबसाइट के होम पेज पर लाइव सीट मैट्रिक्स लिंक पर क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। अतः सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार में भाग लेने के पूर्व उपलब्ध सीटों की अद्यतन स्थिति से अवगत होकर ही साक्षात्कार में भाग लें, यानी कितना सीट खाली है नहीं है, कितना भरा हुआ है, सारा कुछ देखने के बाद ही आप काउंसलिंग में जा सकते हैं, मतलब सेकेंड राउंड के लिए। पहला राउंड में तो सीट खाली रहेगा ही रहेगा, तो फिर भी जिनका रैंक बाद में है वो लाइव देख सकते हैं कितना सीट बचा हुआ है, कहाँ कितना सीट खाली है, वो लाइव देख सकते हैं ऑफिशियल साइट पर। तो ये रहा पहला काउंसलिंग का शेड्यूल, कब कब है और कितना कितना ये तक का है रैंक तक का। ये इस PDF का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।